हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कार इंजन टेक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए i10 कार और ये देख सकते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। जो इसमें इंजन चेक लाइट होती है, इंजन ऑयल चेक लाइट होती है फ्रेंड्स, तो वो ब्लिंक कर रही है इस टाइप से, देख सकते हैं आप। तो ये जो इंजन ऑयल इसमें लेवल जीरो हो जाता है तब ये लाइट जो है फ्रेंड्स ब्लिंक करने लगती है हमारी। तो इस टाइप से अगर आपकी गाड़ी में भी कोई लाइट अगर ब्लिंक कर रही है तो उसको तुरंत वर्कशॉप पे चेक कराएं और उस गाड़ी को तुरंत स्टॉप कर दें, उसका इंजन स्टॉप कर दें ताकि उसको इंजन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, इस चेक लाइट में चलते काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई है इंजन में और बहुत सारी नॉइज भी आ गई है इंजन में, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसके इंजन की भी नॉइज और अगर इस टाइप से आपकी गाड़ी में भी अगर प्रॉब्लम है, ये मिल लाइट अगर आ रही है, तो फ्रेंड्स आप भी तुरंत इंजन को स्टॉप कर दें और गाड़ी को ना चलाएं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी मिल सके फ्रेंड्स। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, इस लाइट के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंजन की तरफ और इंजन में इसके बहुत ज़्यादा कैमशाफ्ट की नॉइज आ रही है बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। बने रहिए वीडियो में एंड तक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हमने इसका इंजन स्टार्ट कर लिया है और इसमें 1.0 लीटर वाला इंजन है और ये मैं आपको अभी आइडल कंडीशन पे इसकी साउंड सुना रहा हूँ। तो इसमें आपको नहीं लग रहा होगा कि इसमें कोई नॉइज है, इसमें आइडल कंडीशन में कोई भी नॉइज हमें नहीं लग रही है। अब हम इसको थोड़ा एक्सलेट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से गाड़ी में अगर आपकी भी आवाज़ है, आप देख सकते हैं कि एक्सलेट करने पे कितना ज़्यादा इंजन में से नॉइज़ आ रही है। अगर इस टाइप से आपकी गाड़ी के इंजन में भी नॉइज़ है तो उसको तुरंत वर्कशॉप पे चेक कराएं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इंजन सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजन ओवरहीट हो जाता है और सीज होने लगता है फ्रेंड्स। तो इंजन में इसके काफ़ी स्मेल आ रही है क्योंकि इंजन काफ़ी इसका सीज टाइप से हो रहा है, मतलब बहुत सारा इंजन के अंदर स्मेल आ रही है, ऑयल है नहीं इसके अंदर फ्रेंड्स। मैं ऑयल लेवल भी इसका चेक करवा देता हूँ आपको, मैं एक बार ऑयल लेवल चेक करवाता हूँ क्लीन। तो फ्रेंड्स, हमने इंजन इसका कर लिया है ऑफ और हमने डिपस्टिक गेज को भी हमने कर लिया है एकदम क्लीन, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें इंजन ऑयल प्रॉपर है कि नहीं है। तो हमने फ्रेंड्स इसको इस तरीके से एंटर करवा दिया इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि इसके अंदर गाड़ी के इंजन ऑयल लेवल जीरो हो चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, कोई भी इंजन ऑयल लेवल नहीं है। तो इस टाइप से अगर आपके क्लस्टर में भी लाइट आ रही है फ्रेंड्स, तो उस चीज़ को आप ज़रूर एक बार वर्कशॉप पे चेक करवाएं। और ये फ्रेंड्स होता किसके कारण है, ये फ्रेंड्स होता है लीकेज के कारण। अगर आपके इंजन में कहीं भी कोई लीकेज की प्रॉब्लम होती है, इंजन लीक की प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको बंद करवाइए तुरंत के तुरंत फ्रेंड्स, नहीं तो आपके इंजन में भी, गाड़ी के इंजन में भी ऐसा ही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो फ्रेंड्स, तो इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।